हेलो एवरीवन दिस इज स्मिता अगेन आई एम हेयर विद अ वेरी वेरी यूजफुल वीडियो अगर आप बिना प्लानिंग के वेडिंग प्लानिंग करने जा रहे हैं या करेंगे तो आप बहुत सारी मुश्किल में फंस सकते हैं इसलिए आज का जो ये वीडियो है ये उन सब के लिए बहुत यूजफुल है आप वेडिंग प्लानर्स हैं या आप अपनी फैमिली वेडिंग प्लान कर रहे हैं इस वीडियो में आज मैंने स्टेप बाय स्टेप वेडिंग प्लानिंग बताइए कि हम कैसे कैसे वेडिंग प्लानिंग करेंगे तो हम बहुत अच्छे से वेडिंग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे एंड ट्रस्ट मी अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा और सारी स्टेप्स को फॉलो किया तो आप एक बहुत अच्छी फ्लॉलेस वेडिंग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी स्टेप देख लेते हैं सबसे पहले वेडिंग डेट अगर आपका वेडिंग डेट फाइनल हो गया है इट्स वेल एंड गुड अगर आपका अभी डेट नहीं फाइनल हुआ है तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं फर्स्ट इज कि आपका बहुत हैवी पीक डेट अवॉइड करिए अगर आप चाहते हैं अगर आप एक बहुत लेविश वेडिंग चाहते हैं और एक एवरेज बजट में चाहते हैं तो आप आ, बहुत साए वाली डेट मत रखिए अगर आप ऑफ सीजन डेट नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट एक नॉर्मल डेट रखिए लेकिन बहुत पीक डेट मत रखिए सेकेंड जब भी आप डेट फाइनल कर रहे हैं या आपके पंडित से या किसी से भी आप डेट शॉर्टलिस्ट करा रहे हैं तो कीप टू टू थ्री डेट्स आप दो से तीन डेट्स निकलवा के रखिए क्योंकि जब भी आप वेन्यू बुक करने जाएंगे इन केस आपको कोई वेन्यू बहुत अच्छा लगता है आपके बजट में भी आ जाता है पर बहुत बार होता है कि हमारा डेट उसके पास अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट वी हैव द ऑप्शन कि हम अगर ये डेट नहीं है तो ये डेट पे कर सकते हैं या इस डेट पे कर सकते हैं तो दो से तीन डेट्स आप जरूर निकलवा के रखिए एंड थर्ड पॉइंट आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेट आ रहा है जो डेट फाइनल करने जा रहे हैं उस डेट में आपकी क्लोज फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी की वेडिंग तो नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप अपने इंपॉर्टेंट गेस्ट मिस करें अपनी वेडिंग में अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू मेक गेस्ट लिस्ट गेस्ट लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए आ, एक एक्सेल शीट में जो भी आपके गेस्ट हैं जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं उनका डिटेल्स जरूर फीड कर लीजिए क्योंकि ये अकेले इनविटेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बाद आप गिफ्ट हैम्पर्स स्वीट्स उनके लिए भी आपको एक काउंटिंग चाहिए होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो बाद में आपको रूम एलोकेट करने के लिए होटल में रूमिंग के लिए ये सब जगह आपको जरूरत पड़ेगी इसकी तो एक गेस्ट लिस्ट बना लीजिए और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक एक्सेल की शीट खोलिए उसमें कॉलम्स बनाइए उसमें नेम रिलेशन uh, भी सारे गेस्ट की उसमें एक बार एंट्री कर लीजिए उसको आप ऐसे भी स्टार्ट करते हैं कर सकते हैं कि सबसे पहले आप फैमिली uh, का जो भी है उनकी डिटेल्स कर दीजिए फैमिली में भी आप दो पार्ट में कर सकते हैं कि पैटर्नल और मैटरनल जितने भी रिलेशंस हैं उनका डिटेल्स कर दीजिए उसके बाद आप फ्रेंड्स एंड कलीग्स पे आइए उनकी एंट्री कर लीजिए फ्रेंड्स की फैमिलीज को भी कर ले सकते हैं इसमें इस तरह से आप एक पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए ये लिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होगी लास्ट तक वेडिंग डे तक अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वेडिंग बजट तो इसके लिए एक डायरी बना लीजिए और उसमें जो भी आपका ने एक टेंटेटिव बजट प्लान कर रखा है अगर अभी नहीं कर रखा है तो आप दोनों साइड के लोग ग्रूम के लोग डिस्कस कर लीजिए उसके बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ हमें इतना बजट या इतने पैसे खर्च कर सकते हैं वेडिंग में लेट uh, सपोज कि आपने सोच रखा है कि फोर्टी लैक्स कर सकते हैं तो उस फोर्टी लैक्स को फिर आप अपने लिए कुछ हेड्स में डिवाइड कर लीजिए कि आप कित उसका कितना परसेंट आपको कहाँ कहाँ देना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरह से उसको कर सकते हैं वेन्यू को कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट अमाउंट देन इट कम्स डेकोर डीजे डेकोर डीजे को हम फिफ्टीन परसेंट तक कर सकते हैं आज के टाइम पे इतना लग जाता है उसके बाद हम टेन परसेंट कर सकते हैं मिशलनियस जैसे आपका आर्टिस्ट हो गए मेकअप आर्टिस्ट मेहंदी आर्टिस्ट प्रोसेशन बैंड इनको हम ओवरऑल बजट का टेन परसेंट तक प्लान कर सकते हैं उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि आपका गेस्ट मैनेजमेंट या जो भी स्टेशनरी वेडिंग इनवाइट वगैरह हो गया उनको हम 5% परसेंट दे सक कर सकते हैं कि हाँ 5% परसेंट हम उस पर खर्च कर सकते हैं 5% परसेंट आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पे कर सकते हैं उसके बाद आपके गिफ्ट स्वीट्स या जो भी रिटर्न गिफ्ट हैं उनको भी हम फाइव कर सकते हैं फिर शॉपिंग को हमें टेन परसेंट देना पड़ेगा क्योंकि आपका जितने भी वेडिंग अटायर्स हैं ये सब काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं आजकल तो शॉपिंग में हम टेन परसेंट दे सकते हैं तो ये तो हो गया कि आपने अपने वेडिंग बजट को अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दिया अब एक काम और करिए आप अपनी डायरी में या एक्सेल शीट में एक शीट और बनाइए जिसमें आप एक कॉलम बनाइए एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक कॉलम बनाइए एक्चुअल कॉस्ट उससे क्या होगा कि आपका जो भी और जो जो आप बुकिंग करते जा रहे हैं उसकी कॉस्ट उसमें एंटर करते जाइए और जो आपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है एस्टिमेटेड कॉस्ट में आप उसको डालिए सपोज अगर हमारा 40 लैक्स का बजट था तो हमने 20 लैक्स मैक्सिमम जो है वो वेन्यू के लिए दे रखा था बट जब हमने वेन्यू बुकिंग कर ली तो एक्चुअल कॉस्ट क्या ही, वो उससे कंपेयर करिएगा सामने रखिएगा इस तरह से क्या होगा कि जब आप सारी चीजें प्लान सारी चीजें फाइनल कर लेंगे बुक कर लेंगे तो आप एकदम से आपको ये नहीं लगेगा कि आप बहुत ओवर बजट चले गए क्योंकि वो सारी पिक्चर आपके सामने ऑलरेडी आपकी डायरी में नोटेड है अब इसके बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट है वेन्यू बुकिंग वेन्यू बुकिंग क्यों क्योंकि हम सबसे ज्यादा पैसा वेन्यू को देने वाले हैं और जहां पर हम ये सारा इवेंट वेडिंग करने वाले हैं वो जगह एक्सप्लोर करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है बहुत कंफ्यूजन होता है अगर आप अपनी ही सिटी में प्लान कर रहे हैं तो ये इजी है क्योंकि आप बहुत सारे वेन्यू यू आर अवेयर ऑफ मैनी वेन्यूज कि जहाँ पे आपने वेडिंग्स अटेंड कर रखी हैं या विजिट कर चुके हो तो आप इजीली आप प्लान कर सकते हो बट इफ़ इट्स अ डेस्टिनेशन वेडिंग आप कहीं बाहर कर रहे हो तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आप लोग बहुत बहुत दिन तक ट्रैवल ही कर रहे हो आप सारे वेन्यू एक्सप्लोर कर रहे हो तो ऐसे मत करिए आप उसमें पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं बेस्ट वे इज टू एक्सप्लोर ऑन इंटरनेट कि आपको इस सिटी में वेडिंग करना है तो इसके कौन कौन से वेन्यूज हैं। फिर आपको कुछ कुछ वेन्यूज के बजट का आइडिया भी नेट पे ही लग जाएगा जैसे मेरे वीडियोस हैं मैंने बहुत सारी लोकेशंस अपने वीडियोस में डाल रखी हैं और उसमें मैंने बजट का आइडिया भी सारे वीडियोस के साथ सारी लोकेशंस के साथ दिया है कि हाँ इस वेन्यू ये वेन्यू करेंगे तो आपका टेंटेटिवली इतना बजट आ सकता है इतना आ सकता है तो आप अगर इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे तो आप बहुत जल्दी कुछ वेन्यूज शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे बैठे पहले होमवर्क करिए उस चीज में ज्यादा फिर कुछ वेन्यूज जो आपने शॉर्टलिस्ट करें हैं इट कैन बी थ्री और फोर वेन्यूज ओनली जहां पे आपको फिर विजिट करना है और आपको उनमें से कोई एक ब्लॉक कर देना है उसमें भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ये वेन्यू है सेकेंड प्रेफरेंस ये वेन्यू है थर्ड प्रेफरेंस ये वेन्यू है अगर आप सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस पे अपनी गए वो अवेलेबल है आपको प्रपोजल जो आया है और जो आपका डील हुआ है वो आपके बजट में भी आ रहा है और आपको वेन्यू भी बहुत सुंदर लग रहा है सारे लोगों को तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए फिर आपको सेकेंड थर्ड में जाने की जरूरत नहीं है और एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी आप वेन्यू बुक कर रहे हैं वहां से आपकी जगह से या जहां से आपके मैक्सिमम गेस्ट आने हैं वहाँ से कनेक्टिविटी uh, कैसी है ट्रेन फ्लाइट या बाई रोड कनेक्टिविटी वो चीज बहुत मैटर करती है इसलिए वो जरूर ध्यान रखिएगा एंड ऑल्सो ट्राई टू बुक द लोकेशन जो आपकी जगह से अगर आप फ्लाइट से कर रहे हैं तो वो थ्री टू फोर आवर्स मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जर्नी और बाई रोड बाई ट्रेन इट इट कुवन टू एट आवर्स मैक्सिमम इससे ज्यादा होगा तो फिर बहुत एग्जर्शन हो जाएगा और आपके गेस्ट और आप लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे तो जितनी शॉर्टेस्ट आपके ट्रेवलिंग टाइम होगा उतना ही बेटर है अब जब हमारी डेट फाइनल हो गई है वेन्यू बुक हो गया है तो अब हमें अपने गेस्ट लिस्ट में जितने भी गेस्ट हैं उनको एक बार इन्फॉर्म करना है और आजकल इन्फॉर्म करने का सबसे ट्रेंडिंग सबसे अच्छा तरीका है वो है सेव द डेट मैसेज अभी सेव द डेट मैसेज क्या होता है सेव द डेट मैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने गेस्ट को एक बार बताना है कि हाँ ये ये आपकी वेडिंग डेट है और ये प्लेस है या ये वेन्यू है इससे क्या होगा कि जो भी आपके गेस्ट बाहर से दूर से आ रहे हैं वो अपने टिकट्स वगैरह उस तरह से प्लान कर सकते हैं जिसको लीव लेनी है वो लीव अप्लाई कर सकता है या उस तरह से फिर वो प्लानिंग कर सकते हैं वो टैंपलेट कुछ इस तरह से होते हैं उसमें आपका ब्राइड एंड ग्रुप का नाम आएगा सेव द डेट फिर डेट्स आ जाएंगी जो जो डेट आपका है वेडिंग डेट्स और उसके बाद वेन्यू या प्लेस आ जाएगा और कुछ भी आप एक सिंपल सा टैम्पलेट ले सकते हैं इसमें और एक लाइन इसमें जरूर नीचे ऐड करेगा फॉर्मल इनविटेशन टू फॉलो तो इस तरह से एक मैसेज एक टैम्पलेट बना के या किसी से बनवा के आप अपने सारे गेस्ट को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए वो मैसेज फ्लोट कर दीजिए उसमें तो अब डेट फाइनल हो गई वेडिंग बजट बन गया गेस्ट लिस्ट बन गई वेन्यू बुक हो गया हमने सबको सेव द डेट भेज दिया अब दो चीजें जो आपकी पैरल में चलेंगी वो हो गई आपकी वेडिंग शॉपिंग और वेंडर फाइनलाइजेशन वेडिंग शॉपिंग तो मुझे लगता है कि जब तक आप आपका आ, लिस्ट में आएगा या आपकी प्लानिंग में आएगा तब तक आपकी फैमिली में वो स्टार्ट भी हो चुकी होगी क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपका डे वन से स्टार्ट होके और लास्ट डे तक कुछ ना कुछ उसका रह ही जाता है तो वेडिंग शॉपिंग आपकी चलती रहेगी इधर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है वो अब आपके जितने भी वेडिंग से रिलेटेड वेंडर्स हैं उनको एक एक करके हमें फाइनल करना है कौन कौन से वेंडर्स हैं जो हमें फाइनल करने हैं वो है डेकोरेटर फोटोग्राफर डीजे आर्टिस्ट आर्टिस्ट मीन्स हम कोई एंकर सिंगर लाइव बैंड अगर ऐसा कुछ लेना चाह रहे हैं तो आ, उसके बाद आपका प्रोसेशन बैंड घोड़ी देन मेकअप आर्टिस्ट मेहंदी आर्टिस्ट और आपका अगर आपको आ, और अगर आपको विंटेज कार साफा वाला ये सब चाहिए तो ये सारे भी आपके वेंडर्स में आ जाते हैं आप ऐसे प्लान कर लीजिए कि हमें वन मंथ विद इन अ मंथ हमको ये सारे वेंडर्स फाइनल करने हैं ये सारे वेंडर फाइनल करते ही या जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है एक फाइल बनाइए जो भी जिससे कांटेक्ट आपका फाइनल हो रहा है सारा डॉक्यूमेंटेशन आप उस फाइल में जरूर करिएगा आप शादी से दस दिन पहले फिर से सारे वेंडर्स को वो फाइल खोल के फॉलो अप करिए और एक बार एक तरह से आप उनको रिमाइंड कराना भी बोल सकते हैं या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ये सारी चीजें आपने सबको एक बार फिर से कॉल कर लिया कि हाँ ये ये सबको सब इन्फॉर्म्ड सब है या नहीं है सबको लोकेशन भेजना ये करना वेंडर्स को ये सारी चीजें शादी से दस दिन पहले करके उसको और उसको फाइल को रख दीजिए अब आपका इन सारी स्टेप्स के बाद आता है दो पहले वेडिंग उनमें देख कि e तो आपने सारों को भेजना है कि आपको किस किस गेस्ट को एक प्रिंटेड इन्वाइट या हार्ड कॉपी भेजनी है उसके अकॉर्डिंग नंबर्स निकाल लीजिए जितने आपको इनविटेशन कार्ड चाहिए वो प्रिंट करा लीजिए कोई भी अच्छा वेंडर देख लीजिए अपने आसपास उनसे प्रिंट करा लीजिए उसमें से भी फिर शॉर्टलिस्ट कर लीजिए आपको किन किन को अपने हाथ से जाकर कार्ड देना है कि आप उसके साथ कोई गिफ्ट आइटम स्वीट्स देना चाहते हैं तो वो भी एक नंबर्स निकाल लीजिए तो हमने वेडिंग इनवाइट सारे गेस्ट को भेज दिया मान के चलते हैं शादी से दो महीने पहले या फोर्टी फाइव डेज पहले सबके पास इनविटेशन पहुंच गया अब शादी से एक महीने पहले करना जरूरी है वो है आर एस वी पी आर एस वी पी क्या होता है आर एस वी पी इज जस्ट अ कंफर्मेशन की जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको एक बार कॉल करना कि हाँ वो आ तो रहे हैं उनका आना कंफर्म है या नहीं है कितने मेंबर्स आ रहे हैं और वो किस दिन चेक इन कर रहे हैं किस दिन वो उनका अराइवल डेट क्या है तो ये सारी डिटेल्स कंफर्म करना आर कहलाता है बहुत सारे लोग को लगता है कि नहीं आप मेरे गेस्ट से अगर हम पूछेंगे कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो या कितने लोग आ रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा बट ट्रस्ट मी आज के टाइम पे कोई बुरा नहीं मानता है बीइंग अ वेडिंग प्लानर हम लोग हर वेडिंग में आर करवाते हैं और कभी किसी को बुरा नहीं लगता है उस चीज का इनफेक्ट उनको भी आ, एक वो फीलिंग आती है कि हाँ आप हाँ, उनको उनको फैसिलिटेट करने के लिए ही ये सब कर रहे हो तो आर करना क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहला कि अगर आपके डेस्टिनेशन वेडिंग है तो आपको नंबर ऑफ कंफर्म रूम्स चाहिए चाहिए अगर आपने ज्यादा रूम बुक कर रखे हैं तो आप पहले कैंसिल कर सकते हो या आपने कम रूम बुक कर रखे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हो वो काम आप शादी से एक महीने पहले ही कर सकते हो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है वो करना सेकेंड फूड के लिए पर प्लेट कॉस्ट होता है आजकल सब जगह तो आपने पर प्लेट कितने नंबर्स दे सकते हैं वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो आरएसवीपी के बाद थर्ड इज आपका रिटर्न गिफ्ट के लिए स्वीट्स के लिए उसके लिए भी आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा टेन टू ट्वेंटी परसेंट हम लोग बफर में रख सकते हैं uh, कि आपका बहुत सारे गेस्ट ऐसे होंगे जिनका लास्ट डे तक नहीं कन्फर्म होगा और वो उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है उसमें तो कुछ तो हम लोग हर चीज का स्कोप रखते हैं कि हाँ अगर इतने गेस्ट लास्ट मोमेंट में आ गए तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे तो दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ वेडिंग प्लानिंग कि अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप एक बहुत अच्छे से फ्लॉलेस वेडिंग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कुछ चीजें आपको और ध्यान में रखनी है अपने गेस्ट को सारा वेन्यू का लोकेशन जरूर भेजिएगा जब वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस टाइम उनको फॉलोअप करना कॉल करना कि कहां तक पहुंचे कब आ रहे हैं क्योंकि उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ज्यादा एंड थर्ड इज वो एट द टाइम ऑफ दे अराइवल जब वो, um, वो पहुंच रहे हैं होटल में या वेन्यू में तो आपको वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है चाहे वहां पे आपने कितनी भी वेलकम गर्ल्स या वेडिंग प्लानर्स लगा रखे हैं बट फैमिली आपको उनको वेलकम करना जरूरी है उनको रिसीव करना जरूरी है तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर योर वेडिंग इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट वन अगर आप इतने अच्छे से इतना होमवर्क करके कुछ प्लान करेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होना ही है एंड इफ यू वांट अस टू असिस्ट यू इन वेडिंग प्लानिंग एंड ऑल देन यू कैन अस ऑन द गिवन नंबर इट्स गिवन ऑन द स्क्रीन यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन द सेम नंबर एंड वी विल रिप्लाई यू वी विल गेट बैक टू यू विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर श्योर सो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू सो मच हैप्पी वेडिंग प्लानिंग टेक केयर गुड बाय